सबको दीपावली की खूब खूब बधाई हो। यह तो हमारी प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली दिवाली है, किंतु इस दिवाली को हम अपने जीवन की विशेष दिवाली बना लें। भक्त जनों के संकट क्षण में क्षण भर में भूत भविष्य और वर्तमान के विकार शांत जो ध्यावे फल। दीपावली के पर्व पर हम अपने परिचितों को मिठाई बांटते हैं, लेकिन इस बार तो भगवान नाम स्तुति नारायण स्तुति को आप पढ़ा, इसमें से जो भी जच जाए जहां भी मन लग जाए रुक जाए वो पढ़ते जा रहे और हम उसको समझे। ये हमारा सत्संग है, दूसरी किताब नहीं है, हम ही बोले हुए, हमको ही मजा आ रहा है। अभी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इतने सारे उत्सव हों, एक साथ इतने सारे लोग ध्यान मग्न हो जाते हों, भाव समाधिस्थ हो जाते हों, झूम उठते हों। उत्सव के बिना धर्म विकसित नहीं हो सकता। ज्योत से ज्योत जगा सदगुरु ज्योत से ज्योत जगा जगमगाओ मेरा अंतर तिमिर निहाओ सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु ज्योत से ज्योत जगा अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगा सदगुरु से जो जगा
स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो हे पिता तेरी लाज। हरी 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 ओ, नारायण नारायण। बाह्य दीपे जगमगाएं, प्रभु करे कि आत्म दिया जगाने की भी भूख लाए। इसी भूख में ताकत है कि हम सारे कर्म बंधन मिटाएं, आत्म ज्योति जगाएं। पांच पर्वों के पुंज इस दीपावली महोत्सव को लौकिक रूप से मनाने के साथ साथ हम उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझें, यही लक्ष्य हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का रहा है। इस पर्व पुंज के निमित्त ही सही अपने ऋषि मुनियों के, संतों के, सद्गुरुदेव के दिव्य ज्ञान के आलोक में हम अपना अज्ञान अंधकार मिटाने के मार्ग पर शीघ्रता से अग्रसर हों। मनुष्य जीवन का विकास करने वाले ऐसे पर्वों का आयोजन करके जिन्होंने हमारे समाज का निर्माण किया है, उन निर्माताओं को हम सच्चे हृदय से वंदन करते हैं। अभी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इतने सारे उत्सव हों, एक साथ इतने सारे लोग ध्यान मग्न हो जाते हों, भाव समाधिस्थ हो जाते हों, झूम उठते हों। जैसे स्तंभ के बगैर पंडाल नहीं रह सकता, वैसे ही उत्सव के बिना धर्म विकसित नहीं हो सकता। जिस धर्म में खूब खूब अच्छे उत्सव हैं वह धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के बालकों को अपनी सनातन वस्तु प्राप्त हो, उसके लिए उदार चरित्र बनाने का जो काम है वह पर्वों, उत्सवों और सत्संगों के आयोजन द्वारा हो रहा है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है उसके जीवन में विकास भी नहीं है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है उसके जीवन में नवीनता भी नहीं है और वह आत्मा के करीब भी नहीं है। भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषिजन कितनी दूरदृष्टि वाले रहे होंगे, महीने में अथवा वर्ष में एक दो दिन आदेश देकर कोई काम मनुष्य के द्वारा करवाया जाए तो उससे मनुष्य का विकास संभव नहीं है। परंतु मनुष्य यदा कदा अपना विवेक जगाकर उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और स्नेह का गुण विकसित करे तो उसका जीवन विकसित हो सकता है। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व, यह महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीप मालाओं का प्रकाश अवश्य करो, साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का आलोक कर दो। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, वरन उजाले में जियो, प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है उस दिव्य प्रकाश का, परमात्म प्रकाश का चिंतन करो। सूर्य परमात्म प्रकाश का चिंतन करो, यह हमारा प्रवचन पहले वाला है, वो पढ़ रहा है। अगली दिवालियों पर जो हमने सत्संग किया वही पढ़ रहा है ना। पुस्तक का नाम है पर्वों का पुंज दीपावली, ये हमारा सत्संग है। ये
दूसरी किताब नहीं है, हम ही बोले हुए हैं, हमको ही मजा आ रहा है। एक बार रामकृष्ण अपने फोटो को देखकर प्रणाम कर रहे थे, बड़ा प्रेम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। लोगों ने बोला, हद हो गई ठाकुर, ये तो तुम्हारा फोटो है, तुम्हारा फोटो नहीं, तुम्हें पगे लागो छो महाराज, ऐसे आपको लोग अर्ध पागल बोलते हैं, तो आप अपने फोटो को प्रणाम करके पूरे पागल हो रहे हो। बोले, नहीं, ये मेरा फोटो नहीं है, जब मैं नहीं रहा होऊंगा तभी आ गया होगा। ऐसे ही कभी कभी ऐसी बात निकलती कि जब अपना मैं नहीं होता है और ईश्वर ही ध्वनि होती है, तो वो अपना प्रवचन भी अपने को अच्छा लगता है। वैसे तो किसी अहंकार के कारण भी होता है, देखो मेरा भाषण बढ़िया, मेरा भाषण बढ़िया, वो बढ़िया होना अलग बात है, और भगवत शांति और भगवत आनंद देने वाली बात अलग बात है। तो ये पर्वों का पुंज दीपावली पर्व माला पुस्तक में अगली दिवालियों को जो हमने सत्संग किया वो आया है, वो पढ़ते जा रहे हैं और हम उसको समझें और अंतर प्रकाश करने का इरादा पक्का बना रहे। गीता में तीन योग बताए, एक समत्व योग, दुख संयोगात वियोगात योग संयोग, जहां दुख का संयोग ही नहीं है वो भी योग। योग कर्म सुकौशल, कर्म तो करे लेकिन उस कर्म में कर्तृत्व तो न हो, कर्म का प्रवाह बाहर हो और अपने को फिर कर्म के बाद विश्रांति मिले। तो योग कर्म सुकौशलम। दूसरा समत्व योग और तीसरा है तम विद्या दुख संयोग वियोगात योग संगीतम सनिश्चय योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा, छठे अध्याय का 23वां श्लोक। इन तीनों में से कोई भी योग कर लो, योग अर्थात ईश्वर से मिल लो, अपने आत्मा से मिल लो, ज्योत से ज्योत जगा लो। श्री कृष्ण बोलते, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वो आत्मा ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे, अंधकार को भी जानने वाली वह आत्मज्योत है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, बाहर के दिए बहुत जले जलाए, अब अंतर आत्मा का ज्ञान दीपक प्रगटाओ प्रभु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में जुग जुग से सोई चिति शक्ति को जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ प्रभु जी, मेरा अंतर तिमित मिटाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, भगवत प्रेम का अमृत, वास्तविक मधुरता, वास्तविक दिवाली को प्रकट करने वाला है। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, वह साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, इस प्रकार की ज्ञान की ज्योत जगाओ। वेद में आता है, सामवेद में, सुत एति पवित्राहा आ तविषधान ओजसाहा विचक्षणाहा विरोचसनाहा, ज्ञानवान
ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र उन्नत हो जाता है। ये सामवेद का वचन है, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला। श्रद्धा के साथ ज्ञान होगा ना, तभी आप दूसरे का हित कर सकते। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र ही उन्नति कर लेता है। आप शीघ्र उन्नति करने का संकल्प करो, सुबह उठकर अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करो। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, मेरा आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। ओम परमात्मने नमः, ओम गुरवे नमः, ओम ज्ञान स्वरूपाय। सुबह अपने कल्याण के लिए चार चिंतन करने चाहिए। एक तो परमात्मने नमः, ओम नमो नारायण है, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये भगवान के नाम लिए। फिर अपना शुभ संकल्प करो कि आज मैं ये करूं और सम रहूंगा। तीसरा, अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लो। और चौथा, अपनी उन्नति के या घर के प्रॉब्लम के बारे में प्रेरणा पा लो। फिर दिन की शुरुआत करो और दिन में बार बार बीच में के बस मेरे को तो समता का योग करना है, अथवा जहां दुख का संयोग नहीं होता है ऐसे अपने आप में जगना है, अथवा योग कर्म सुकौशलम, कर्म का परिणाम फल हमारे चित्त पर असर ना करे। तीनों में से कोई भी योग, कभी कोई कभी कोई, कभी कभी समता तो कभी कर्म बंधन निर्लिप्तता, ये बार बार याद करो तो बहुत आसान तरीका है। एक साल तो बहुत हो गया, जिस ढंग का सत्संग है और अगर प्यास हो जाए तो एक साल तो बहुत हो गया परमात्मा शांति पाने में, परमात्मा ज्ञान पाने में। सामवेद में दूसरा मंत्र आता है, मनश्चिन मनः संस्पति, मन की शक्ति को जानकर उस पर अपना शासन करें। अपनी मन की शक्ति जानो, मन में अथाह शक्ति है। मैं बीमार हूं तो बीमारी का घर बन जाते, और बीमारी में भी बीमारी शरीर को है, मैं तंदुरुस्त हूं, फलाना तंदुरुस्त, आप तंदुरुस्त हो जाते। अमेरिका में 4 लड़के कल्पना का प्रयोग कर रहे थे एक लड़के पर, बोले तुम थके हो लेट जाओ तो उसको थकान, लेट गया और थकान महसूस। फिर देखा कि उनकी चारों का हिप्नोटाइज करने से, चारों के बोलने सजेशन सूचना देने से उसके मन पर असर पड़ रही है। अब तुम्हें खुजलाहट हो रही है, सिर खुजला हो गई, सिर में खुजलाहट हो रही है, तो सचमुच उसको खुजलाहट, अब तुम्हारे पैर में ऐसा हो रहा है, अब तुम्हारे को पसीना 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 आ रहा है, तो उसकी मानसिकता पर उन चार लड़कों की ऐसी असर पड़ी कि वो पसीना पसीने वाला हो गया। अब तुमको ये दिख रहा है, अब तुम्हें बहुत बहुत भूख लग रही है, और वो खाए तो ये अच्छा लग रहा है तो सह। ऐसे करते करते लड़कों ने कहा कि अब तुम थक गए हो, लेट जाओ। अब लड़कों को क्या पता क्या सूझी कि अब तुम बीमार हो गए हो, तुम मर गए, तो लड़का मर गया। कैसी मानसिक शक्ति! बाद में अमेरिका को कानून बनाना पड़ा कि ऐसा प्रयोग कोई जानकार की सूचना अनुमति के बिना कोई नहीं करे। मैं मर गया हूं, तुम अब मर गए हो, तो उसने वो अपने मन से सोचा कि मैं मर गया हूं तो मर गया, या रोने वालों से हम बात ही नहीं करते।
क्या बंदर जैसा मुंह बनाया। अरे भले नहीं रब नहीं, नहीं तो पहले झटके में मैं दुखी हूं उसका मैं झाड़ देता हूं, उसके बाद उसको बताता हूं तो काम बन जाता उसका। नहीं तो लोग मुंह बना के आते ही बंदरी जैसा मुंह बना के आते, मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसे कितना भी बनाऊंगा वो तो समझेंगे कि रोने धोने से ही काम होता है। नहीं नहीं, आपकी मन की शक्ति को पहचानो, दीनता को छोड़ो, दूसरों की कृपा है। संसारी बेचारे क्या कृपा कर लेंगे, अरे दीन बीन मन के गुरु भी क्या कृपा कर लेंगे। अपनी सूझबूझ से उनसे मार्गदर्शन लो, गिगड़ी 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 से क्या दिखावा करना। मनश्चिन मनस संपत्ति सामवेद आठ, मन की शक्ति को जानकर उस पर शासन करें। पाही विश्वम माद्रसो हो आवरण सामवेद, हे अग्नि सभी राक्षसी वृत्तियों और अदानियों से हमारी रक्षा कीजिए। सामवेद में आया ते चिंतयन्तः परणा परणः वयम्, हम प्रत्येक पर्व में तेरा चिंतन करें। हे परमात्मा हे अग्नि समान ओज प्रकाश सतिग सतिग्म जन्भ रक्षो दह प्रति सामवेद में आया, हे अग्नि राक्षसी वृत्तियों को एक एक करके जला दे। बाहर तो दीप माला कर लेते हैं, कभी अंदर की दीपावली जलाया करो। घर को तो सजा दिया फूलों से, कभी मन को भी बुहारी लगाया करो। मिल जाए जमाने भर की दौलत, लोभी की गरीबी जाती नहीं। नेक कमाई में पड़ेगी बरकत, सत्कर्म धन को लगाया करो। बाहर की दिवाली भले जलाओ, लेकिन अंदर की ज्योत जगाया कर, प्रकाश में जिया कर। आज का दिन बीत गया, अभी तक आत्म विश्रांति मिली कि नहीं मिली। तीर्थराम अपने को पूछते थे, बच्चों को तो पढ़ाया प्रोफेसर तो हो गया मैं, लेकिन मनुष्य जीवन का फल पाया कि नहीं पाया, आत्मा के आनंद को मैंने पाया कि नहीं पाया, सुख दुख में समता को पाया कि नहीं पाया, द्रु को मिला प्रहलाद को मिलाया, मीरा को मिला शबरी को मिला रहीदास को मिला, प्रभु तू मेरे दिल में होते हो मुझे कब मिलेगा। सारे कर्मों से भगवत चिंतन बहुत ऊंचा है भगवान नाम, लेकिन भगवान नाम से भी भगवान का चिंतन और भगवान का विरह उससे भी गजब का है। भगवत स्मरण तो बहुत बहुत अच्छा है, भगवत नाम जप तो बहुत हितकारी, लेकिन उससे भी ज्यादा हितकारी है कि भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए, छटपटा तो नहीं लग जाए। तो महापुरुष जो भगवान के लिए छटपटाए हैं उनका जीवन चरित्र बड़ी मदद करता है। और भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान का वर्णन किया है, वो भगवान नाम स्तुति श्री नारायण स्तुति पुस्तक में है। ब्रह्मा जी को भगवान मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, उन्होंने जो स्तुति की है तो आपको पता चलेगा कि भगवान ऐसे है। जिसको पाना है उसका ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। तो भगवान नाम स्तुति नारायण स्तुति को आप पढ़ा करो, इसमें से जो भी जच जाए जहां भी मन लग जाए रुक जाया करो। पूरी पुस्तक को थोड़ा 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 पढ़ते जाओ रुकते जाओ, पढ़ते जाओ रुकते जाओ, कहीं भी मन रुक जाए उसी में फिर बात, हो सकता है कि इसी में से भगवत प्राप्ति का ज्योत जग जाए। और सच्ची बात पक्की बात है कि मनुष्य जीवन भगवत सुख पाने के लिए, भगवत आनंद पाने के लिए, भगवत ज्योत जगाने के लिए,
ये सारी दिवालियों की ज्योत के पीछे भी लक्ष्य भगवत ज्योत है। सारे 40 उत्सव हैं भारत संस्कृति में, सभी उत्सवों के पीछे भगवत ज्योत जगाने की, ये आरती भी जो किया ज्योत से ज्योत जगाओ, जय जगदीश हरे उसमें भी है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो परमात्मा चैतन्य आत्मदेव सच्चिदानंद है, उसका चिंतन करने से क्षण भर में भूत भविष्य और वर्तमान के विकार शांत हो जाते, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति धरा, लौकिक घर में सुख संपत्ति अथवा हृदय में सुख शांति, वो सब आती आपके मन के चिंतन में बड़ी शक्ति। इसलिए मन की शक्ति को पहचान, चिंतन की शक्ति को पहचान। सुना दे और थोड़ा। दीपावली हिंदू समाज में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दीपावली को मनाने का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के उस प्राचीन सत्य का। ये दीपावली पर जो हम बोले हैं, लखनऊ वाले दिल्ली वाले, तुम ये सूरत वाले ये पुस्तक में देख लेना, बाकी का पुस्तक का नाम है पर्वों का पुंज दीपावली। पर्वों का पुंज दीपावली अपने आश्रम की पुस्तक में है सब, जो अब भी नहीं बोल पाए वो भी है, पर्वों का पुंज दीपावली नाम के पुस्तक में से आप देख लेना बाकी का। थोड़ा और पूरा करते भाई। दीपावली का उत्सव पर्वों का पुंज है, यह तो हमारी प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली दिवाली है, किंतु इस दिवाली को हम अपने जीवन की विशेष दिवाली बना लें, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। दीपावली का पर्व प्रकाश का पर्व है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमें अपने जीवन में छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। ये सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जरा जरा बात में दुखी, मंगल का ग्रह है, मंगनी नहीं होगी, शादी टूट रहे तो दुखी हो रहे, परेशान, ये क्या कोई बात है, सत्संग की कमी है, परेशानी की क्या बात। ऐसे ऐसे मंत्र है कि मंगल हो शनि हो ये सब ठीक हो जाता है। यही बात उपनिषद भी कहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, परंतु ईश्वर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसी कारण उन महापुरुषों ने हमें जगाने के लिए यह बात कही होगी, जले दिए बाह्य किया उजेरा, फैला हुआ है हृदय में अंधेरा। जिस प्रकार हम घी और तेल के दिए जलाकर रात्रि के अंधकार को मिटाते हैं, उसी प्रकार हम वर्षों से अपने मनः पटल पर पड़ी अज्ञान रूपी काली छाया को सत्कर्म, सुसंस्कार, विवेक और ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाकर ऋषियों के स्वप्न को साकार कर दें। जैसे एक व्यापारी दीपावली के अवसर पर अपने वर्ष भर के कारोबार की समीक्षा करता है, ऐसे ही हम भी अपने द्वारा किए गए वर्ष भर के कार्यों का अवलोकन करें। यदि सत्कर्म अधिक किए हों तो अपना उत्साह बढ़ाएं, और यदि गलतियां अधिक हुई हों तो उन्हें भविष्य में न दोहराने का संकल्प कर अपने जीवन को सत्य रूपी ज्योति की ओर अग्रसर करें। दीपावली के पर्व पर हम अपने परिचितों को मिठाई बांटते हैं, लेकिन इस बार हम महापुरुषों के शांति, प्रेम, परोपकार जैसे पावन संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर पूरे समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे, ऐसा संकल्प लें। इस पावन पर्व पर हम अपने घर के कूड़े करकट को निकालकर उसे विविध प्रकार के रंगों से रंगते हैं, ऐसे ही हम अपने मन में भरे स्वार्थ, अहंकार तथा विषय विकार रूपी कचरे को निकालकर उसे संतों के सत्संग, सेवा तथा भक्ति के रंगों से रंग दे। योगांग झाड़ू धर चित्त झाड़ो, विक्षेप कूड़ा सब झाड़ काढ़ो, अभ्यास पीता फिर फेरिएगा, प्रज्ञा दिवाली प्रिय पूजिएगा।
दिवाली में चार काम करने के होते हैं। एक तो घर का कूड़ा कचरा निकालना, ये हुआ बाहर का, ऐसे दिल का भी पुराना राग द्वेष निकाल देना, ये अंदर की दिवाली। दूसरा होता है नई चीज लाना, बर्तन लाते, कपड़े लाते, गहने गांठे नए, कुछ न कुछ लाते सामान। अब अपने हृदय में कई जन्मों में विषय विकारों को, पत्नी को, पति को, बहू को तुलाए, अब अपने हृदय में भगवान के सुख को लाओ। बस जरा सी बात, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब कचरा पट्टी ला के भी हैरान हो जाते। आप तो अपने हृदय में भगवान के सुख को लाएंगे, बस इतनी गांठ बांध देने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। हम अपने हृदय में भगवत सुख लाएंगे। कोई हीरे लाए, कोई गहने लाए, कोई कुछ लाओ, हम तो अपने हृदय में भगवत सुख जगाएंगे। ये नई चीज हो गई ना, कई जन्मों में नहीं थी, इसी जन्म में ले आओ बस। तीसरी बात है कि हम दिए जलाते बाहर, तो ऐसे अंदर में ज्ञान का दिया जलाओ। सुख आ गया तो उसमें डूबो नहीं, जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब जाती है, सियानी मक्खी किनारे अपना काम बना लेती। तो सुख में भी डूबो नहीं, दुख में भी डूबो नहीं। दुख आया तो संसार से वैराग्य कराने के लिए, और सुख आया है तो थोड़ा संसार का उपयोग करके, सेवा करके अपना हृदय पवित्र करने के लिए। तो सुख आया है सेवा करने के लिए, दुख आया है वैराग करने के लिए, ज्ञान का दिया रखो। और चौथी बात है मिठाई खाते खिलाते, ऐसे ही आप भी भगवत सुख पाओ और दूसरों को भी पाओ। आप भी सत्कर्म करो, दूसरों को भी कराओ। तो चार काम हो गए ना, कूड़ा कचरा निकालना, नई चीज लाना, दिया जगाना और मीठा मुंह करना, मीठा हृदय करना। ठीक है, हो गई दिवाली। ठीक, नारायण नारायण, आप सबको दीपावली के खूब खूब